मेट्रो में लगभग 500 हरा पेड़ को काटा गया। डीएफओ एवं अंचल अधिकारी गोविंदपुर दोनों हैं अनजान। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। जल है तो जीवन है, जंगल है तो जल है, शायद यह कहते आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा। यदि नहीं तो सरकार के द्वारा दिया गया स्लोगन एक पेड़ 100 पुत्र के समान आपने जरूर दीवारों पर पढ़ा होगा। जब लोग सब जानते हुए कानून हाथ में ले ले तो आप क्या कहेंगे उस पर, जब पड़ोस में रहने वाले आपको समझा रहे हों कि यह करना गलत है। जी हाँ, यह पहेली नहीं हकीकत है मरीचो गांव का, जहां लगभग 500 हरे पेड़ को काट दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गैर आबाद खाते के जमीन सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीण ने आवेदन दिए थे, परंतु आज तक अंचल अधिकारी गोविंदपुर ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे अगला का मन बढ़ता गया और अभी वह पेड़ काट रहे हैं। जब डीएफओ धनबाद से इस विषय पर दूरभाष पर बात किया गया तो उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जताई एवं जांच करने का बात कहे। ग्रामीण कहते हैं, सर देखिए बात यह है कि हम लोग मरीचो ग्रामीण वासी एक ग्रामीण पिटीशन बना के विगत 2/11/2021 को हमारे अंचल अधिकारी जो है सीओ साहब को हम लोगों ने नोटिस किया था कि हमारे यहाँ जो गैर मजरूआ जमीन है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, इस पर आप संज्ञान लें। लेकिन अभी तक हमारे अंचल अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आज दिन के दिन इन लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, पेड़ कट रहा है। आप जाके खुद देख सकते हैं कि पेड़ों को गिराया जा रहा, हरे भरे पेड़ों को गिराया जा रहा है। अगर इसी तरह हालात रहे तो ना पेड़ बचेंगे ना जमीन बचेगी, सारा बर्बाद हो जाएगा सर। समस्या है कहाँ की दिक्कत हो सर? दिक्कत है, हम लोग इतना दूर से रखे हैं, वो सब जोर करता है, जबरदस्ती काट रहा है। काट रहा है तो उसके लिए आप लोग नहीं बोले क्यों काट रहा है? बोलिए तो नहीं मन जबरदस्ती करता है। पेड़ नहीं काटना चाहिए, ये अपराध है, ये जानकारी नहीं दी उसको आप लोग? जानकारी दिए, जब एक तो देखे फिर काटा तब। क्या बोल रहे हैं वो लोग? बोला है कुछ है तो दिखाइए। किसका जमीन है वो? जमीन सरकार का है। आप अपना नाम बताइए। विष्णु महतो। गाँव मिर्चो। सर वहाँ हम लोग पहले दादा परदादा लोग गाय बैल चढ़ाते आ रहे हैं शुरू से ही, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि अचानक मतलब बाउंड्री के नाम पे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। पूरा लगभग 500 से 1000 पेड़ एकदम पूरा हलाल कर दिए, और हम लोग जब बोलने गए हैं कि पेड़ मत काटिए तो बोल रहा कागज़ दिखाइए, या उस विषय पे हम लोग का बात ही नहीं मान रहे हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सर हम अनुरोध कर रहे हैं और उनसे विनती है कि पेड़ पौधों का कम से कम बचा के रखें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। नाम बताइए। विजय कुमार माता। गाँव मारी।